हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो नेचुरली आपकी समस्या भी सेम है कि आपकी इंडक्शन का IGBT बार बार ख़राब हो रहा है। मेरे इंडक्शन का IGBT ख़राब हुआ था, बदला तो 2 IGBT ख़राब हुए दो दो दिन के बाद, यानी कि मैं बदल रहा था और वो ख़राब हो रहे थे। ये समस्या मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा था, तो एक बंदे ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि किसी पुरानी प्लेट का IGBT निकाल के लगाइए, नए मत लगाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यह IGBT है 25N 120, और जो पुरानी किट में मुझे मिला वे मिला 60N 100। ये 50 एम्पियर का IGBT है, वो 60 एम्पियर का IGBT होता है। तो जब मैंने उसे लगाया तो समस्या समाप्त हो गई। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये कि मार्केट में मिलने वाली IGBT, भले ही इनका नंबर सेम होता है, इनका करंट उतना नहीं होता जितना ओरिजिनल का होता है, क्योंकि उस बंदे का कहना था कि आप सेम भी लगाएंगे पुरानी किट का तो वो चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा करंट का मिला था तो वो बहुत अच्छा चला। मेरा इंडक्शन अब बिल्कुल सही है। अगर आपको यही समस्या आ रही है तो या तो आप हाई करंट का लेकर लगा कर देखें, या किसी पुरानी किट में से निकाल के लगा कर देखें। पुरानी किट में से निकलने वाले IGBTs को कट पीस बोलते हैं, वो सस्ते भी मिलते हैं और उनकी जो विश्वसनीयता है वो ज़्यादा है नए IGBT के मुकाबले। तो ये समस्या मेरी इस तरीके से मैंने सॉल्व की। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको भी समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपका इंडक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।